लालू प्रसाद के बड़े बेटे भड़के हुए हैं, गुस्सा वो आरजेडी नेताओं से है, लेकिन क्यों? चलिए क्या है पूरा मामला आपको समझा देते हैं। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को करीब 3 साल के बाद पटना पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा और तेज प्रताप का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल लालू का एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए तेज प्रताप पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने पिता से ही मुलाकात करने नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप चाहते थे कि लालू 5 मिनट के लिए पहले उनके घर आए और फिर राबड़ी देवी के निवास पर जाएं, लेकिन लालू प्रसाद एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी देवी के घर 10 सर्कुलर रोड पहुँच गए, जिससे तमतमाए तेज प्रताप यादव अपने घर पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता को बंधक बनाया गया है। सुनिए, हमारे पिता को आखिर बंधक क्यों बनाया गया? ORSS के एजेंट लोगों के द्वारा ये हमारे पिता को बंधक बना करके रखने का काम हुआ, और ये फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा। अब हम दिखा देंगे दूध का दूध और पानी का पानी राजद वालों को। तेज प्रताप यादव आरजेडी नेताओं पर भड़के दिखे। उन्होंने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को दोषी ठहराया और कहा इन लोगों को वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हमको बेइज्जती किया गया वहाँ एयरपोर्ट पे भी, हमको जगतर सिंह ने ठेलने का काम किया, सब लोगों ने देखने का काम किया किस तरीके से हाथ से हटो 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 सबको ठेलने का काम किया। ये कह रहा भैया ये तुम RSS वाले हो, जब तक तुमको हम पार्टी से निकालेंगे नहीं, जब तक आपको हम पार्टी से संगठन से जब तक बाहर नहीं करवाएंगे तब तक हमको RJD से कोई मतलब नहीं है। बेटे का धरना और माहौल गर्म होता देख जब लालू यादव और राबड़ी देवी तेज प्रताप से मिलने पहुंचे तो तेज प्रताप ने अपना धरना खत्म कर दिया और सड़क पर पिता के स्वागत में झाड़ू लगाकर सफाई की, और जब पिता लालू आए तो उनके पैर पखारे। देखिए, ये बवाल शांत हुआ तो पिता लालू यादव और मां राबड़ी ने तेज प्रताप को 10 सर्कुलर रोड यानी अपने घर पर बुला लिया और घंटों तक चला हंगामा शांत हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का गुस्सा जमकर वायरल हो रहा है।